मार रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। बनाने के लिए मैंने एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। इसके अंदर 1 कप इमली का पल्प जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा। ये तकरीबन मैंने 300 ग्राम समझ लिए, 1 पाव से ज़्यादा थी थोड़ी सी इमली। उसको 1 कप पानी में मैंने तकरीबन भिगो के रखा, 1 से कम कप पानी में मैंने भिगो के रखा, ताकि जब इमली का जो उसमें पेस्ट है उसमें शामिल हो जाए। और फिर उसमें से गुठलियाँ निकाल दी, तो ये 1 कप बन गया। आपके पास जो भी इमली हो, जैसा भी हो, गाढ़ा गाढ़ा पल्प निकालना है। 4 चम्मच जो है शक्कर जा रही है, शक्कर नहीं हो तो गुड़ भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच गुड़ या 4 चम्मच शक्कर ले लें, या अगर दोनों नहीं है तो हम 4 चम्मच जो टेबल स्पून है हमारे खाने के चम्मच जो होते हैं वो ले लेंगे, और चीनी के ले लेंगे। इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा है ये। ओके। और इसमें जाएगा नमक, नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब जाएगा। और फिर इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत जल्दी बनेगी और बड़े मज़ेदार किस्म की होगी। बस 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हुए हैं और चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है पकने के बाद। अब हम अपना फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने देते हैं। अच्छा जी, इमली की चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसको बाउल में निकाल लिया है, 1 कप में निकाल लिया है। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चना चाट में, फ्रूट चाट में, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं। चल, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।